पूरे देश में जम्मू कश्मीर पर धारा 370 हटाने को लेकर ये मुद्दा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से धारा 370 के तहत कुछ विशेषाधिकार हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश भी किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करने का प्रस्ताव भी पेश किया था। आपको बता दें कि गृह मंत्री की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर सरकार के इस प्रस्ताव पर एक बड़ा तबका खुश नज़र आ रहा है। लोग जम्मू कश्मीर पर सरकार के फैसले की तारीफ करते नज़र आ रहे हैं। इसमें फिल्मी सितारे भी कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी अपने ट्वीट के ज़रिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जी हाँ, हम आपको बता दें कि खुशी जाहिर करते हुए भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद और दिग्गज अभिनेता परेश रावल ने भी ट्वीट पर लिखा, आपने बिल्कुल मेरे मन की बात कही है, जय हिंद। वहीं दूसरी तरफ एक्टर कुणाल कोहली ने ट्वीट कर किया, हमारी आंखों के सामने इतिहास बदल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, जायरा वसीम ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसके अलावा आखिरी में हम जिसका नाम बता रहे हैं अनुपम खेर, उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कश्मीर की समस्याओं का समाधान शुरू होने लग गया है, अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से नाजमिन की रिपोर्ट।